अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। बेसिकली मैंने एक वीडियो बनानी थी इंस्टाग्राम के लिए, तो मैंने वो बनाई है। पिक्चर्स मैंने पोस्ट कर दी, ईद की पिक्चर्स मेरी इंस्टाग्राम पे है, तो जाके चेक कर लीजिए। अभी मेकअप उतारने से पहले सोचा मैंने कहा आपको यहाँ के अपनी शक्ल दिखा दूँ, व्लॉग स्टार्ट कर दूँ। और कल की पैकिंग भी करनी है, मैंने वीडियो एडिट भी करनी है क्योंकि कल वो पोस्ट चली जाएगी। वो पोस्ट ब्रांड की है तो स्ट्रिक्ट डेडलाइंस आई हुई हैं। मैं ये जला के बैठी हुई हूँ। ये मेकअप किया है मैंने और इसका जो वीडियो है ना वो मेरी इंस्टाग्राम पे चली जाएगी। ये मैंने पिक्चर्स खींची है, मैं ज़रा पिक्चर्स लगाती हूँ, देखें पिक्चर्स। कपड़े निकाले हुए हैं, ये दुपट्टा है, ये ट्राउज़र है जो मैंने आज पहना था वही पहन रही हूँ, मम्मा को बहुत अच्छा लगा है इसलिए। और ये शर्ट है जो मैंने पहले आपको दिखाई भी थी, इसका टैग उतारना है भी क्योंकि रास्ते में थोड़ा सा आपको ऐसे कपड़े पहनने पड़ते हैं कि जो कंफर्टेबल हों। ये मैंने कल के लिए ये इतना सा जो मेरा छोटा सा मेकअप है, मतलब दो लिपस्टिक्स हैं, ये ब्रश है, ये कंसीलर है, ये पाउडर है, ये रोज़ वाटर है, ये ब्लेंडर, ये लेके जाऊंगी। और ये मैंने रखा हुआ है, मे बी मैं ये पहनूँ या फिर ये पहनूँ। और एक परफ्यूम लाजमी, तो ये मेरे बैग में होता है। इसके अलावा छोटा सा पर्स में मेरे कार्ड्स, फ़ोन और पैसे होंगे बस। हम लोग ज़्यादा दिन के लिए जा रहे हैं, सिर्फ एक दिन के लिए जा रहे हैं, तो आई थिंक इतनी चीज़ें काफ़ी हैं। मैंने वीडियो एडिट करनी है तो यार पड़ी हुई है, उसको मैं देख देख के कुछ हो रहा है क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ और कल से पहले मुझे वीडियो करके देनी है। ये रही, अभी इसको एडिट करूँगी। मैं सॉफ्टवेयर जो यूज़ करती हूँ वो ये वाला फिल्मोरा का है और अभी पूरा एडिट करके इंस्टाग्राम पे डालूँगी जी। फिर ये सब करके मैं सो जाऊँगी। एक मज़े की बात बताती हूँ, मेरा भाई चीटोज़ लेकर आया है जो मेरे फेवरेट हैं, इसलिए कि हम जब रास्ते में बोर हो रहे होते हैं हम लोग कुछ ले लेते हैं मंचिंग वगैरह और खाते रहते हैं। और अब जैसे स्कूल में लंच बच्चों के लिए और रात को उनको ये होता है कि खा लें, अब मेरे साथ यही हो रहा है। मेरा इतना दिल कर रहा है चीटोस खाने का। अनदर डे और मैं तैयार हो गई हूँ, बस अभी हम निकलने वाले हैं। हाउ द ड्रेस लुक्स जी, ये वाले खुद से निकाले हैं मैंने, ये चल रहे हैं हैदराबाद के लिए। अरे तुम मेरा ट्विन लग रहे हो। मैं ऐसी हूँ बिल्कुल ऐसी, बगैर मेकअप के। और मैं बाल जो है हैदराबाद में रुक जाएंगी, हम वापस आ जाएंगे। ये डेजी आ गई है हमारे और ये डेजी को भी हम निकालेंगे। डेजी घर से बैठी हुई है, वो देख रहे हैं हमारी डेजी, हमने उसका नाम डेजी रखा है। अभी हम एक खाला के घर आए, अब हम उनकी छत से पलांग के दूसरी खाला के घर चले जाएंगे क्योंकि नीचे रास्ता बहुत लंबा है और दोनों घर मिला हुआ है। ये बात मेरी बारी है। तो जी मैं तैयार हुई हूँ, अभी हम लोग जरा पिक्चर भी चलेंगे क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो मैंने कहा व्हाई नॉट, मैंने अच्छा ये पहना है। चलो जी चलो जी चलो जी, अभी एक पहना एक पहनना बाकी है फॉर आवर शूट। पूरा घर छोड़ के हम कहाँ हैं, यहाँ पे, क्योंकि मुझे लकड़ियों के साथ पिक्चर लेनी थी। उस साइड पे आएगा ना लाइट है, यहाँ यहाँ से आओ ना, यहाँ से आ जाओ, यहाँ से सांप आप तो नहीं निकलेंगे। हाँ
ओ भाई निकल निकला है लकड़ियों में इतने यहाँ पर सरिये रखे छोटे कंटेंट के लिए क्या क्या करना पड़ता है थिकनेस लगवाने पड़ेंगे क्यों कट रहे हैं हाँ। मैंने तो खाद भी नहीं लगाया कहीं संभाल के रख रही हूँ बिकॉज जो मेरा वहाँ पर ड्राइंग रूम बन रहा है उसकी दीवार से ये डेकोरेट करूँ ओह अल्लाह चलो मेरा तो दे दो वापस बताओ बताओ क्या मिला है मुझे सब पता है मेरे बारे में सिल्वर प्ले बटन ओहो इधर तो देख के बताओ कि सारे ने मेरी पिक्चर्स ली हैं अभी इंस्टाग्राम पे जाएंगी बच्चा पार्टी माइनक्राफ्ट का सर्वर दिखा वापस हम उसी घर में आ गए अब हम बारबेक्यू करेंगे नानी डांस हाई एवरीवन गुड मॉर्निंग एंड कल मैं बिल्कुल भी सही से व्लॉग नहीं कर पाई बिकॉज फैमिली टाइम था और फैमिली में फ़ोन यूज़ करना वीडियो बनाना इट्स लाइक बिट ऑकवर्ड सो अभी हम नाश्ता करेंगे उसके बाद मैं थोड़ा सा तैयार हो रही हूँ बैक टू द सेम ओल्ड आउटफिट जो मैंने ईद के डे वन पहना था और इसके बाद मुझे जाना है 3 जगह पे मिलने के लिए यहाँ काफ़ी सारे रिलेटिव्स रहते हैं तो उनसे मिलेंगे और इसके बाद हम लोग कराची वापस आ जाएंगे तो ये सीन है बॉम्बे बेकरी का केक तो लाजमी है तो बस केक भी लेना है और अभी मैं कॉफ़ी केक खाने वाली कॉफ़ी केक पड़ा हुआ है मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है चॉकलेट केक लेके जाएंगे बारबेक्यू भी नहीं किया बिकॉज हमने जब डिनर कर लिया तो पेट इतना भर गया तो बारबेक्यू भी नहीं किया उसके बाद हम लोग बाहर गए पान खाने के लिए हम वापस आए उसके बाद हमने लूडो खेला फिर हम सो गए मतलब मेरी कज़न है छोटी मेरे भाई हैं सब छोटे छोटे कज़न हैं सारे अभी तक सो रही मैं इसके साथ सोई थी ऊपर ये छोटू की कल बर्थडे केक अब केक खाएंगे ये हमने काफ़ी सारा खा लिया है मैं चाय लेकर आती हूँ चलो चुका नहीं ओ हो मेड हर हेयर स्टाइल ओह अल्लाह इतनी अच्छी लग रही है केक खा लिया और केक बड़ा मज़े का था हाँ वो बॉम्बे का था कॉफ़ी हम चाय पी रहे हैं जी मैं तैयार हो गई और अब हम जा रहे हैं हाँ लंबी हो गई मम्मा से हाँ ये देखो कैसे खड़ी है अलीशा के वो बड़े भाई हैं की भी हो ना ऐसा केक करो मैं तो इतनी बुरी लग रही हूँ दोनों के आगे पिंकी पोंकी करके चली जाती हूँ नहीं फ्रिज की दुकान वाली पीछे यहीं पे क्या है ना